गाइस जो आईपीएल 2022 का यहाँ पे मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है और आपको जैसे मालूम है कि 12 और 13 फरवरी दो दिन में यहाँ पे मेगा ऑक्शन हुआ था और बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है और करीब 600 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें करीब 210-215 प्लेयर्स सोल्ड हुए और बाकी के जो 300-325 प्लेयर्स थे वो अनसोल्ड रह गए। अब जो प्लेयर अनसोल्ड, देखो सोल्ड प्लेयर्स के बारे में मैं बताऊंगा नहीं इस वीडियो में, देखो सोल्ड प्लेयर्स के बारे में अगर मैं बताऊंगा क्योंकि देखो सोल्ड प्लेयर्स का आप सबको मालूम है कौन से प्लेयर किस टीम में गए, तो हम यहाँ पे अनसोल्ड प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले। ये वीडियो होगा मतलब यू नो सबसे बड़े अनसोल्ड प्लेयर, वो है मिस्टर आईपीएल चिन्ना थाला सुरेश रायना। मेरे पूरे मतलब मैंने जितना क्रिकेट मैं फॉलो करता हूँ, मेरे फेवरेट प्लेयर सुरेश रायना रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें सुरेश रायना। लेकिन मैं अभी भी मैं शॉक्ड हूँ कि जब रायना का नाम मेगा ऑक्शन में पहले बार आया था फर्स्ट राउंड में, वहाँ पे किसी टीम ने रायना पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो, किसी टीम ने यहाँ पे रायना पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर आईपीएल को किसी ने ना लिया हो। और ये टॉपिक अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, पूरा देख लो गूगल में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम, ट्विटर में सबसे ज़्यादा मिस्टर आईपीएल ट्रेंड हो रहा है कि क्यों रायना को नहीं लिया। रायना मिस्टर आईपीएल है, जो उनकी टीम है चेन्नई, जिनके लिए उन्होंने इतने साल 13-14 साल कंट्रीब्यूट किया है, वो टीम ने भी रायना को इग्नोर कर दिया ऑक्शन में, मतलब रायना पे बोली नहीं लगाई, मतलब बिड नहीं किया। और अभी भी मुझे नहीं मालूम, फर्स्ट राउंड में तो रायना अनसोल्ड हुए थे, हमें सबको मालूम है। फिर मैं हम सब ये वेट कर रहे थे, रायना के फैंस हैं, आरसीबी के फैन हो, मुंबई के हो, लखनऊ के हो, पर मिस्टर आईपीएल, अगर आईपीएल का बात आ रहा है, आईपीएल का भगवान है सुरेश रैना, जरूर नंबर 4 में और रन बनाने में, लेकिन रैना मिस्टर आईपीएल है भाई। और रैना का जब नाम आया कोई भी टीम इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं अभी भी शॉक्ड हूँ, चेन्नई की टीम तो कुछ कर ही नहीं रही थी, चेन्नई की टीम मतलब बस देख रही थी, मतलब बैठी थी, रैना पे बिड भी नहीं किया। अब देखो इसका सब लोग रीजंस ये सोच रहे होंगे, रैना का बेस प्राइस ज्यादा है, 2 करोड़ है, यार अगर आप रॉबिन उथप्पा पे बिड कर सकते हो तो सुरेश रैना पे क्यों नहीं कर सकते। भाई रॉबिन उथप्पा का भी तो यहाँ पे बेस प्राइस 2 करोड़ का था, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चेन्नई ने बिड लगा दिया, लेकिन जब सुरेश रैना का नाम आया तब चेन्नई की टीम ने बिड ही नहीं लगाया। भाई लगा देते क्या होता, प्लेयर का मनोबल तो बढ़ता, उसे लगता तो सही कि ये टीम मुझे अभी भी विश्वास कर रही है, ठीक है बिड नहीं लगाया तो। और चेन्नई ने मतलब कल ही ये ट्वीट किया जो रैना के लिए पिन करके रखा है इस ट्वीट को, चेन्नई चिन्ना थाला फॉर एवर नाम से यहाँ पे ट्वीट किया, लिखा है थैंक्स फॉर ऑल योर मेमोरीज, ठीक है आपने ट्रिब्यूट दिया, लेकिन रैना डिजर्व्स यार, रैना को आपने ठीक है रिटेन नहीं किया, तब तक फैंस खुश है यार, लेकिन ऑक्शन में तो मुझे लगता है लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था जरूर। 2021 का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, फिर उनको रॉबिन उथप्पा से रिप्लेस कर दिया गया। और नंबर 3 पे आपने मोइन अली को खिलाया, जहाँ पे रैना ने इतना रन बनाया वहाँ पे आपने मोइन अली को खिला दिया, ठीक है ये बात ही मान लो न। फिर एक मैच मुझे याद है नंबर 5 में भी रैना को बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन रैना को उसके बाद रॉबिन उथप्पा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, नो डाउट मैं रॉबिन उथप्पा के खिलाफ नहीं हूँ यार, लेकिन रैना यार मिस्टर आईपीएल है, एक साल बैड सीजन रहा, 2020 वो नहीं खेले, और इसका अभी मुझे पता चला है सोर्सेस से कि कुछ तो कन्फ्लिक्ट हुआ था, वो बालकनी वाला इंसिडेंट आपको सबको पता है। और धोनी भी अब रैना पे भरोसा नहीं दिखाए है इस साल, ये हमें समझ आ चुका है, क्योंकि देखो जो इनके जो सीईओ है विश्वनाथन, उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा था कि जो चेन्नई का जितना भी डिसीजंस लिया गया है टीम बनाने को, बैलेंस बनाने को, वो महेंद्र सिंह धोनी का है। और हरभजन सिंह ने भी ये बात कहा था बहुत बार कि सीएसके का मैनेजमेंट, हेड कोच सब धोनी है, बॉस सीएसके का सब धोनी है, धोनी के ऊपर ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। और धोनी ने रैना को छोड़ दिया, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ, जिस प्लेयर ने 2020 में धोनी के साथ इंटरनेशनल में रिटायरमेंट ले लिया, धोनी ने रिटायरमेंट लिया उसके आधा घंटा बाद रैना ने भी ट्वीट कर दिया कि मैं भी आपके साथ फॉलो कर रहा हूँ। और अब क्या ये कुछ है, अनबन हुआ है या फिर जो भी हुआ है, लेकिन अब रायना हमें 2022 आईपीएल टाटा आईपीएल में देखने को नहीं मिलेंगे। और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, पूरे फैंस जितने भी आईपीएल को पसंद करते, जो चेन्नई के सपोर्टर नहीं है वो भी शॉक्ड है कि चेन्नई ने ऐसा क्यों किया यार, पता नहीं। और अभी कल एक वीडियो चेन्नई ने अपने यूट्यूब में डाला है, वहाँ पे श्रीनिवास जो सीईओ है विश्वनाथन, उन्होंने कहा कि वी थैंक रैना, रैना हैज कंट्रीब्यूटेड वेरी मच इन 12-14 ईयर्स। फिर उन्होंने बाद में कहा कि वी लुक एट द फिटनेस, वी लुक एट द फॉर्म, जो भी उन्होंने कहा है कि फिटनेस फॉर्म। तो भाई अगर ऐसा बात है तो भाई फैफ डू प्लेसिस को तो ले लेते हैं यार, 7 करोड़ में आरसीबी ने ले लिया, तो चेन्नई अगर 9 करोड़ यहाँ पे राहुल तेवटिया पे लगा सकता है तो डू प्लेसिस भी क्यों नहीं, क्योंकि डू प्लेसिस तो इतना अच्छा खेले, डू प्लेसिस को भी नहीं लिया, राइडू को आपने लिया है, रॉबिन उथप्पा को, मुझे लगता है यंग और एक एक्सपीरियंस टीम आपने बनाया है।
लेकिन यार जो भी है, रायना के 5,528 रन से बुरे, मतलब करीब 5600 रन है, मतलब लास्ट ईयर में बस 150 लगाया। लेकिन जो भी है, अगर फिटनेस नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ कि डोमेस्टिक नहीं खेले, पर आई होप मतलब रायना जो है वापसी करे। और अब बात करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है जिसमें सुरेश रैना हमें देखने को मिल सकता आईपीएल 2022 में। तो भाई वो सीधा है रिप्लेसमेंट। अगर देखो पंजाब के यहाँ पे 2.5 करोड़ बाकी है, 2 करोड़ आपको रायना को देना पड़ेगा। कोई भी टीम है जिसके पर्स में मतलब 2-3 करोड़ है, तभी आप रायना को ले सकते हो। मान के चलो कोई एक प्लेयर ए है, वो इंजर्ड हो गया, अब आपको उसका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो आप जो प्लेयर अनसोल्ड है उनमें से आप उनको ले सकते हैं, जैसे आप रायना को ले सकते हैं, आप रायना को, स्टीवन स्मिथ को ले सकते हैं। तो ये रायना पे यार वीडियो था। मैं भी बहुत अभी भी शॉक हूँ, पूरे सीएसके के फैंस बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं रायना को लेना चाहिए। अब तो भाई देखेंगे क्या होता है, अगर इस आईपीएल में देखने को नहीं मिले तो हमें क्या हो सकता है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगर सुरेश रायना मिस्टर आईपीएल के फैन हो तो वीडियो पे एक लाइक भी डाल दो यार। मैं खुद रायना का सपोर्टर हूँ, मैं खुद रायना को सपोर्ट करता हूँ। मैं रायना मेरे फेवरेट प्लेयर है यार हमेशा से, सीएसके में धोनी तो है लेकिन रायना मेरे सबसे फर्स्ट में है यार। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही यार, रायना अब देखते हैं यार रायना का क्या होगा। तो फिलहाल रायना के लिए एक लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।